मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है इमरती। इमरती बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सॉस पैन में 2 कप चीनी ले लेते हैं। 2 कप चीनी के लिए 1.5 कप पानी ले लेते हैं। गैस का नॉब ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी को बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। चाशनी में थोड़ा ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। 1 पिंच का 1/4 हिस्सा ऑरेंज फूड कलर लिया है। फूड कलर को चम्मच से चलाते हुए चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी में उबाल आ जाने के बाद 2 मिनट के लिए चाशनी को पका लेते हैं। उसके बाद चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को 2 मिनट पकाने के बाद चाशनी के तार को चेक कर लेते हैं। चाशनी में कोई तार नहीं बना है, लेकिन इसमें चिपचिपापन आ चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद 2-3 बूंद नींबू के रस की डाल देते हैं। इससे चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाशनी के अंदर अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर का यूज नहीं किया है। चाशनी के गुनगुना रह जाने तक चाशनी को साइड में रख देते हैं, जब तक इमरती के लिए दाल से बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इमरती बनाने के लिए उड़द की बगैर छिलके वाली दाल को ओवरनाइट के लिए या 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। दाल के भीग जाने के बाद दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। दाल का मेजरमेंट मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लिया है। दाल को कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए बारीक पीस कर तैयार कर लें। दाल के पीस जाने के बाद दाल को चेक कर लेते हैं। इमरती बनाने के लिए बारीक दाल पीसने के बाद दाल को बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को पीसने के लिए मैंने 1/4 कप प्लस 3 चम्मच पानी का यूज किया है। दाल को बाउल में निकालने के बाद दाल के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। 1 पिंच का 1/4 हिस्सा ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। दाल के अंदर तीनों इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद दाल को वॉश किए हुए हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बैटर के फ्लफी हो जाने तक दाल को हाथों से अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इसमें करीब 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। दाल को 5-7 मिनट हाथों से अच्छी तरीके से फेंटने के बाद दाल को पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। दाल पानी के ऊपर तैर रही है। इमरती बनाने के लिए दाल को पाइपिंग बैग में भरकर तैयार कर लेते हैं। इमरती को शेप देने के लिए पाइपिंग बैग या दूध का खाली पैकेट ले लेते हैं। इसके अलावा आप सॉस बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। पाइपिंग बैग को खाली गिलास के अंदर रखने के बाद पाइपिंग बैग के अंदर इमरती के बैटर को डाल लेते हैं। बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर डालने के बाद पाइपिंग बैग को गिलास से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद पाइपिंग बैग को अच्छी तरीके से सील कर देते हैं, जिससे कि इमरती को शेप देते समय बैटर पाइपिंग बैग से बाहर ना निकले। पाइपिंग बैग को गोल गोल घुमाते हुए मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। पाइपिंग बैग के किनारों को मोड़ने के बाद रबड़ बैंड लगाकर अच्छी तरीके से सील कर दिया। पाइपिंग बैग को अभी मैंने आगे से कट नहीं किया है। तेल के गर्म हो जाने के बाद पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे। इमरती को तलने के लिए फ्लैट तले के बर्तन का यूज करें। मेरे पास फ्लैट तले की कढ़ाई है, आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका यूज करें। इमरती को तलने के लिए कढ़ाई में रिफाइंड तेल या देसी घी डालकर गर्म कर लेते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद पाइपिंग बैग को भी आगे से कट कर लेते हैं। इमरती को शेप देने के लिए गैस की फ्लेम को लो पे कर लें। उसके बाद बैटर को 2 बार गोलाई में घुमाते हुए सर्किल बनाकर तैयार कर लेंगे। सर्किल के ऊपर छोटे छोटे सर्किल बनाकर इमरती को शेप दे देते हैं। सेम तरीके से बाकी की इमरतियों को शेप देने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं।
रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। शुरुआत में इमरती को शेप देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी शेप में इमरती बनाकर तैयार कर लेंगे। इमरती को शेप देते समय गैस की फ्लेम को लो पे रखें। शेप देने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लें। गैस की फ्लेम को हाई पे ना रखें। अगर हाई पे रखोगे तो इमरती अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ब्राउन हो जाएगी। कढ़ाई में जितनी इमरती आराम से आ सकती है उतनी बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद इमरती के दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इमरती को तल लें। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं इमरती को थोड़ी देर के लिए और तल लें। इमरती की दोनों साइड पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इमरती के दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक जाने के बाद इमरतियों को निकालकर डायरेक्ट चाशनी वाले बर्तन में डाल देते हैं। चाशनी वाले बर्तन में इमरतियों को डालने के बाद इमरतियों को तुरंत चम्मच से चाशनी के अंदर डुबो दें। चाशनी के अंदर इमरती को डालते समय चाशनी का टेम्परेचर गुनगुने से थोड़ा सा गर्म रखें। इमरती को चाशनी के अंदर डालने के बाद इमरती को 2 मिनट के लिए चाशनी के अंदर जरूर रखें। 2 मिनट के बाद जब आपको लगने लगे इमरतियों ने चाशनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, इमरतियों को चाशनी से बाहर निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। इमरतियां बन जाने के बाद इमरतियों को गर्मा गर्म सर्व करें। एक इमरती को तोड़ के दिखलाती हूँ मैं आपको, इसके अंदर शुगर सिरप कितनी अच्छी तरीके से गया हुआ है।